क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूँ, किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी कह सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। मिस्टर यूनियन लीडर, जाने से पहले जरा ये एग्रीमेंट देखते जाओ। कॉपीज है, ओरिजिनल मेरे पास है। वो हाल करवाऊंगी उसका कि उसे अपने पैदा होने के दिन पर रोना आएगा। पुलिस स्टेशन में जब उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाएगा तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे जिद मोड़ ली है। उसका सारा घमंड, सारी आकड़ अगर मैंने ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी शीतल चेक ही नहीं। वो मणि तेरे किस्मत में नहीं है भीरुनाथ। तू एक मामूली सी नागिन मेरी किस्मत के बारे में क्या जान सकती है? मैंने 40 साल तपस्या की है और ऐसी शक्ति पाई है कि मैं किसी भी नाग को अपने वश में कर सकता हूँ।